सुविधा सभाक प्रारंभ एक्चुअल डेट नहीं कह सकते, लेकिन राजा हरसिंह देव जो मिथिला का राजा छा हे समय में पंजी पद्धति जारी भेलै, यानी सिद्धांतक कात ही शुरू भेलै। कथा ई रूप में छे, एक टा मिथिला के लड़की जे अपना गामे में स्थित महादेव के पूजा कर ले संध्या काल जाइत रहे, गाँव से बाहर रहे, वहीठाम आंधी तूफान आबि गेलै संध्या काल, तऽ एक टा मने दैत नहि छथि लेकिन दलित के नवयुवक सेहो ओहिमे एहन आंधी तूफान अयलै जे भरि राति दुनू रहली। सवेरे ओ शानदार प्रचार कऽ देलकै कि हिनका साथमे हमरा नजय सम्बन्ध है। ताकि आप के हुए ओहि समयके जे प्रसार है तदनुसार कयल गेलै पंडित सबके धन्य एकर कोना हुए। ओ कहे लड़की जे नहि, हम एकदम परम पवित्र छी, हम कोनो शानदार गानी नहि छी। तऽ पंडित सब कहलखिन नहि नहि, कि गाय गायके गोबरसँ ठाँव कऽ कऽ पीपरके पात हिनका हाथपर देल जाय आ थारके धिपा कऽ लाल भऽ जायत हिनकापर देल जाय। आ ओ शब्द की रहै, ना हम शानदार गानिनी, अगर ई शब्द कहलाके बाद हिनका हाथ नहि जटतनि तहन परम शुद्ध मान देती, अगर हाथ जटतनि तहन ई छत गड़बड़ हाथ हुनकर जरूर लगतनि। ओ फेकलनि फाड़ते कहलखिन नहि हम नहि छी। तहन पंडित सब सोचलनि एहिमे की रहस्य छै, हिनकर कथन जे छनि ताहिमे छै दम छै। बाजू दोसर ढङ्गसँ कहियौ, ना हम पतिरिक्त चांदाल गामी, पतिके अतिरिक्त हम यानी हमर पतिये चांदाल भऽ सकै छै, तहन हाथ नहि चलतै। तहन मानल गेलै कि हिनकर पति जे छथिन से चांदाल छथिन। चांदाल किया छथिन, तऽ ओ विवाह जे भेल रहै समगोत्रीमे विवाह, समगोत्री माने भाइ बहिनके ढङ्गसँ आइ सब खैर भऽ गेलैए, ढेकी भेलैए, लेकिन ओहि समय नहि भेलै, तहन ओकरा गोत्रके निर्धारण एकी कयल जाय। तहन भेल जयबार जोग सोती सब जे वर्ण भेलै से अपन हुनकर जिक्रा बाद नहि। आ भेलै सिद्धान्त ने सात पुष्प पिने वरके छओ पुष्प लड़कीके दुनूके की कऽ कऽ, तहन तैँ तहियासँ सिद्धान्त भेल, तहियासँ ई जे छै पद्धति जारी अइ, तहियासँ वएह सब हय। एखन जे स्थिति अइ से हमरा सबके बहुत दिनके बाद अयलहुँ हँ, विवाह हमर अहिठामसँ सभे गाछीसँ भेल, कन्यादान हमसब करी अहिठाम आबिकऽ, चाहे राजा रहथि चाहे बैंक रहथि गरीब अमीर केओ रहै, सबके एक सामाजिक आ एक जातीय जातीय ककरो ध्वंस करऽ वास्ते नहि, अपन उत्थानके वास्ते छलै। आ ताहिमे गौरवके अनुभव भेल, हम सवा लाख कहा तो छै, सवा लाख ब्राह्मण जाइ दिन आबि जायत, पिपलक मौत भऽ जाय, लोक दर्शन करा रहे, जकरा काज नहियो रहै से अबै एहिठाम ब्राह्मणक दर्शन आ महादेवक दर्शन कर रहे। हमहूँ सब आदमी कतेक बेर सब वेद विहार करत तऽ नहि आबै दो, लेकिन ओ परम्परा कालक क्रमसँ ओहो प्रयास भेलै, कालचक्र नहि आबिकऽ दहेज प्रथा की प्रथा ओकरा बाधित केलकै। लेकिन हमर ई धरोहर अइ, सांस्कृतिक चेतनाके केन्द्र अइ, एकर पुनरुत्थान हुए। हमरा तऽ जीवनक अन्तिम समय 86 वर्षके हम भेलहुँ, लेकिन अफसोस होइए एकटा सभा भरल आयोजन, ओकरा की कहल जाय, श्रद्धांजलि सभा कहल जाय की कहल जाय। लेकिन धन्यवाद जे केओ ओकरामे लागत छथि हिनका हम धन्यवाद दै छियनि, कमसँ कम दोगुने तऽ छै, प्रेरणा तऽ जगतै ओहू हिसाबसँ। तैँ दुआरे एकर महत्व जे छै कतौ नहि दुनिआमे एहि ढङ्गके महत्व छै जतेक एहन अपना सभा गाछीके महत्व छल। तऽ भगवानसँ प्रार्थना, महादेवसँ प्रार्थना, महाकाल छथि ध्वंसके सेहो छथि आ निर्माणके सेहो छथि, तिनकासँ प्रार्थना जे कोना एकर उत्थान होय, इएह कहब। आओर की कहब।